इस वीडियो में हम सब लिस्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सब लिस्ट आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक मेथड है। ये सब लिस्ट से हम क्या कर सकते हैं देखेंगे। एक कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाओ, पहले तो अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो कलेक्शन लिस्ट आके इसके अंदर कलेक्शन इम्प्लीमेंट होके है, तो इसलिए ये फ्रेमवर्क में हर क्लास को कलेक्शन क्लास बोल सकते हैं। तो उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाया हूँ। जनरली अरे लिस्ट का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसे ऐड कर सकते हैं, मगर अभी तो हम स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि हम उसे क्लास पैरामीटर बोलते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग लिखे हुए हैं, क्लास पैरामीटर, उस क्लास के लिए क्लास पैरामीटर हमने स्ट्रिंग पास कर रहा है। इसका मतलब अब जो ऑब्जेक्ट बोले वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, खाली स्ट्रिंग ही लेगा। ये टेम्पलेट क्लासेस के बारे में थोड़ा तुमको नॉलेज रहेगी तो ये समझ में आ जाएगा। अब इसमें मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐड किया हूं, तो अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है ये उसका, ये जिस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है उसका, वो लिस्ट था, लिस्ट का वेरिएबल से वो रेफर कर रहा। मैं इतने सारे ऑब्जेक्ट उसको मैं ऐड किया हूं। ऐड करने के बाद अब उसमें से एक सब लिस्ट क्रिएट करना है मेरे को। ये सब लिस्ट फंक्शन से वो काम कर सकते हैं। ये L1 या अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट था, क्योंकि ये कलेक्शन क्लास का मेथड है। कलेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करना है और उसे दो इंटीजर पास करना है। देख सकते हैं आप, पैरामीटर उसके दो इंटीजर्स है। मैं 2 और 6 पास किया था। 2 किस में आएगा? स्टार्ट में आएगा। एंड में क्या आएगा? 6 आएगा। अब ये एक सब लिस्ट क्या करेगा? तुमको एक सब लिस्ट देगा। लेफ्ट साइड में देखे तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या दे रहा है। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा आउटपुट 2 माने के थर्ड एलिमेंट 3 और 4 और 5 और 6, ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। 6 जो देने के बाद 6 इंडेक्स में जो है वो नहीं आएगा, तो 6 माइनस 1 5 5 इंडेक्स में जो है वो आएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे 3 से लेके 3 माने कि उसका इंडेक्स 2 होगा, तो 2 होगा वो थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स 2 होगा, 2 3 4 5 इतने ही आएंगे। 6 इंडेक्स में जो है वो नहीं आएगा, 6 माइनस 1 लेगा यहाँ पे वो लिस्ट। एक सब लिस्ट बनेगी, वो सब लिस्ट का रेफर होगी XC, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स कभी पास नहीं होते हैं, कभी रिटर्न नहीं होते हैं, उनके रेफरेंसेस पास होते हैं, उनके रेफरेंसेस रिटर्न होते हैं। वो सब लिस्ट अभी किसी रेफर होगी, समझो कि सब लिस्ट बनेगी, उसका एड्रेस माने कि उसका एड्रेस X में आएगा। तो सी में क्या है, एड्रेस को स्टोर करना है तो पॉइंटर वगैरह लेते हैं। जावा में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इंटरफेस का वेरिएबल है, कोई भी क्लास का वेरिएबल बाय डिफॉल्ट वो रेफरेंस ही रहता है उसके अंदर, वो रेफरेंस वेरिएबल होता है। अब पूरी लिस्ट एक बार प्रिंट करेंगे AL1, तो पूरे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। यहाँ तो ऐसा ही लिस्ट लिखा हुआ है इसलिए वो लिस्ट डिस्प्ले हुआ है, और उसके बाद यहाँ कोलन है तो यहाँ भी कोलन प्रिंट होगा। उसके बाद पूरे एलिमेंट्स ऐसा प्रिंट हो जाएंगे AL1 को। एक्स को डिस्प्ले करेंगे तो क्या डिस्प्ले होगा? 3 4 5, ये 4 एलिमेंट डिस्प्ले होंगे। ये सब लिस्ट है X सब लिस्ट है, ये AL1 आके तो मेन लिस्ट है। तो सब लिस्ट से हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक लिस्ट, एक सब लिस्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कलेक्शन क्लास का मेथड है, इसलिए कलेक्शन ऑब्जेक्ट से कॉल करना है और दो इंटीजर को उसे पास करना है। तो पहला इंटीजर होगा स्टार्ट इंडेक्स, तो नेक्स्ट इंटीजर होगा एंड इंडेक्स। वो इंडेक्स से लेके वो इंडेक्स माइनस वन तक के जितने भी ऑब्जेक्ट है वो एक सब लिस्ट जैसा क्रिएट होंगे और उसका रेफरेंस रिटर्न होगा, वो एक्स ही रेफर होंगे। तो यहाँ लिस्ट रखना कि ये भी देखिए, ये भी ऑब्जेक्ट हम लिस्ट वेरिएबल से रेफर कर रहे थे ना, ये भी लिस्ट वेरिएबल से रेफर कर रहे हैं। ये सब लिस्ट का इसका डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। रिटर्न या लिस्ट दैट इंक्लूड एलिमेंट, एक लिस्ट आपको मिलेगी उसके अंदर एलिमेंट होंगे वो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड माइनस वन इन द इनवोकिंग लिस्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट कलेक्शन से तुम्हें कॉल करें उसके एलिमेंट जो स्टार्ट इंडेक्स है, मतलब स्टार्ट मेरा वैल्यू 2 था, मैं पास किया था कि हमें वो दोनों वैल्यूज या दोनों वेरिएबल में आएंगे, उसके बाद वो बनेगा। यह सब लिस्ट। थैंक यू।